Hello everyone, welcome to our video lecture series on the subject of mobile technologies. मैं हूं रोहित कुमार. तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इस सब्जेक्ट के बारे में. तो जो टॉपिक्स आज हम इसमें कवर करेंगे वो हैं इंट्रोडक्शन टू मोबाइल टेक्नोलॉजी, फीचर्स ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी, एडवांटेजेस ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी या मोबाइल कम्युनिकेशन एंड लिमिटेशंस ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन. तो एक एक करके इन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे आज. तो सबसे पहले जो टॉपिक हमारा दैट इज इंट्रोडक्शन टू मोबाइल टेक्नोलॉजी, कि मोबाइल टेक्नोलॉजी क्या है. तो मोबाइल टेक्नोलॉजी एक इस तरह की टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं विदाउट हैविंग अ फिजिकल मीडियम, विदाउट हैविंग वायर्स और केबल्स. केबल्स और वायर्स के बिना ही हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, डाटा शेयर कर सकते हैं. तो दैट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दिस मोबाइल टेक्नोलॉजी. जैसे टेक्निकली आपके सामने एक डेफिनेशन, दैट इज मोबाइल टेक्नोलॉजी अलाउज अस टू कम्युनिकेट विद अदर्स इन डिफरेंट लोकेशंस विदाउट द यूज ऑफ फिजिकल कनेक्शन. मतलब जैसे कि मैंने बोला कि विदाउट यूजिंग वायर या केबल्स, कोई फिजिकल कनेक्शन के बिना ही हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. इसके कारण जो है हमारा जो लाइफ है दैट बिकम्स वेरी इजी, लाइफ बड़ी इजी होगी इसके कारण. और इसके कारण जो टाइम है वो भी सेव होता है और एफर्ट्स भी सेव होती है. ठीक है, तो इसके लिए हमें एक डिवाइस चाहिए होती है जिसको हम कहते हैं मोबाइल फोन, या और भी डिवाइसेज हैं जिसके थ्रू आप मोबाइल टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हो. लेकिन मोस्ट पॉपुलर जो एक डिवाइस है मोबाइल टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए दैट इज मोबाइल फोन, या जिसको हम मोबाइल हैंडसेट भी कहते हैं, या सेल फोन भी कहते हैं, हैंड फोन भी कहते हैं. ठीक है जी, तो इसकी हेल्प से हम मोबाइल टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं. ठीक है जी, तो ये एक तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. मोबाइल जो है, मोबाइल फोन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि यूज करता है रेडियो वेव्स को. ठीक है, रेडियो टेलीकम्युनिकेशन या रेडियो कम्युनिकेशन को यूज करके हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं यूजिंग मोबाइल फोन. और इसमें हम यूज करते हैं फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन. फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन मीन्स एट अ टाइम दोनों यूजर एक दूसरे को डाटा सेंड कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, सेम टाइम पे कम्युनिकेट कर सकते हैं. ठीक है, और इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक बेस स्टेशन. जैसे कि आपने देखा होंगे आपके घर के आसपास मोबाइल टावर्स लगे होते हैं. ठीक है जी, तो टेक्निकली वो मोबाइल टावर्स जो है उसको हम बेस स्टेशन कहते हैं, जो कि एक पूरे एक ज्योग्राफिक एरिया को कवर करता है. जितने भी वहाँ पे मोबाइल डिवाइसेज है, मोबाइल फोन्स हैं, उनको वो एक रेंज प्रोवाइड करता है, एक कनेक्शन, रेडियो कनेक्शन उसको प्रोवाइड करवाता है. ठीक है जी, इसको सेल साइट भी कहते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज फीचर्स ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी. तो कौन कौन से फीचर्स हमारे पास मोबाइल टेक्नोलॉजी में, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे. तो हमारे पास ये कुछ फीचर्स हैं, तो एक एक करके उसको पढ़ते हैं. सबसे पहले है जी हाई कैपेसिटी एंड लोड बैलेंसिंग. ठीक है, हाई कैपेसिटी एंड लोड बैलेंसिंग. तो जो हमारा मोबाइल टेक्नोलॉजी है या मोबाइल एक टावर बेस स्टेशन होता है, उसकी कैपेसिटी जो काफी ज्यादा होती है. ठीक है, जितने मर्जी यूजर्स जो हैं, नंबर ऑफ यूजर्स हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स जो हैं उसके अंदर कम्युनिकेट कर सकते हैं. ठीक है जी, और दूसरी चीज इसमें क्या होती है, लोड बैलेंसिंग. बाई चांस अगर मान लीजिए कि एक बेस स्टेशन की जो कैपेसिटी है वो 100 यूजर्स की है, ठीक है, एक टावर की, अगर बाई चांस उसमें लोड ज्यादा हो जाता है या यूजर्स ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, मोबाइल टेक्नोलॉजी में क्या आपको पता है कि यूजर जो है मूव कर सकता है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे. ठीक है, कम्युनिकेट करता करता ही मूव कर सकता है. तो मान लीजिए एक यूजर जो है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में आ गया, एक बेस स्टेशन से दूसरे में आ गया, तो जो है उस वाले बेस स्टेशन में जो लोड ज्यादा हो गया, मान लीजिए उसकी कैपेसिटी से ज्यादा हो गया, तो मोबाइल टेक्नोलॉजी में इस तरह की प्रोविजन है कि हम लोड को बैलेंस कर सकते हैं. ठीक है जी, उसको फिर एक्स्ट्रा हम कैपेसिटी दे देते हैं उस वाले बेस स्टेशन को, लोड को हम बैलेंस कर लेते हैं, उसका जो लोड है वो शिफ्ट कर लेंगे हम साथ वाले बेस स्टेशन में. ठीक है जी, एडवांस में आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से यूजर को एक चैनल मिलता है, किस तरह से बेस स्टेशन में वो कम्युनिकेट कर सकता है, किस तरह से एक चैनल मिलता है, वो सारा कुछ हम आगे पढ़ेंगे. फिलहाल हम अभी फीचर्स पढ़ रहे हैं इसके. तो सबसे पहला फीचर था हाई कैपेसिटी एंड लोड बैलेंसिंग, जिसके बारे में मैंने आपको बताया. उसके बाद है स्केलेबिलिटी. स्केलेबिलिटी मतलब कि मतलब हम जो एक नेटवर्क जो है उसको एक छोटे से लेकर बहुत बड़े तक उसको हम स्केल कर सकते हैं. स्केलेबल है मतलब उसकी रेंज जो है छोटे से लेकर बड़े तक वो हो सकती है. तो एक वायरलेस नेटवर्क जो है वो एक छोटा सा नेटवर्क भी हो सकता है विद इन फ्यू मीटर्स, फ्यू हंड्रेड मीटर्स से लेकर, अगर वो
बड़ा स्टेशन भी हो सकता है विद इन फ्यू किलोमीटर्स। ठीक है जी, डिपेंड करता है कि कितनी कितने यूजर्स हैं उस एरिया में, उस लोकेशन में, उस हिसाब से हम एक नेटवर्क को स्केलेबल कर सकते हैं। मान लीजिए शुरू शुरू में जब बेस स्टेशन आया तो सिर्फ 100 ही यूजर्स थे, फ्यू यूजर्स थे उस लोकेशन में, तो बढ़ते बढ़ते उसके जो कंज्यूमर्स हैं या यूजर्स हैं वो बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो हम क्या करते हैं फिर उसको और बड़ा कर देते हैं, उसकी जो कैपेसिटी है, रीच है, उसको और बढ़ा देते हैं कैपेसिटी को। ठीक है, तो ये इसको क्या कहते हैं हम, स्केलेबल। तो ये एक बड़ा अच्छा फीचर है मोबाइल टेक्नोलॉजी का, स्केलेबिलिटी। ठीक है, तो बड़ी ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं होती, बिल्कुल थोड़े से चेंजेस करके ही हम एक बेस स्टेशन को स्केलेबल बना सकते हैं और बड़ा कर सकते हैं। तो नेक्स्ट फीचर हमारा नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है जी, तो आजकल जैसे आपको पता है कि मोबाइल जो स्टेशन है या बेस स्टेशन है वो बड़ा ही, बड़े यूजर्स उसमें आ चुके हैं, हर एक यूजर इंटरनेट यूज कर रहा है, हर एक यूजर वॉइस के लिए उसको यूज कर रहा है। ठीक है जी, तो उसके कारण क्या है, 100 एंड 1000s ऑफ यूजर्स हैं, और 100 एंड 1000s क्या है, एसेस पॉइंट्स हैं, टॉवर्स लगे हुए हैं। ठीक है, अब उन वहां पे क्या है, फायरवॉल्स लगे हैं, स्विचेस लगे हैं। ठीक है जी, उसको पावर भी देनी होती है, नंबर ऑफ बड़े सारी चीजें जो है उनको मैनेज करना पड़ता है। ठीक है जी, तो जो ये मोबाइल टेक्नोलॉजी है इसमें एक प्रोविजन होता है कि हम एक नेटवर्क को इजिली मैनेज कर सकते हैं एक जगह से। ठीक है जी, तो एक स्मार्टर वे है जिसके कारण हम एंटायर नेटवर्क को एक सेंट्रलाइज लोकेशन से मैनेज कर सकते हैं। जैसे आपको बताया मैंने, एक मोबाइल बेस स्टेशन पे लोड बढ़ा है तो हम एक जगह सेंट्रलाइज जगह पे बैठे हुए उसका लोड जो है किसी दूसरे बेस स्टेशन पे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम, कि नेटवर्क को किस तरह से मैनेज करना, अगर एक पे लोड ज्यादा है तो उसको दूसरे पे ट्रांसफर करेंगे एंड सो ऑन। इस तरह की फीचर्स को हम कहते हैं नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम। अगला जो फीचर है दैट इज मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट। ठीक है जी, तो हम हमारी जो डिवाइस है, ठीक है, उसको भी बेस स्टेशन से मैनेज किया जा सकता है। ठीक है जी, उसको भी एक सेंट्रलाइज पोजिशन से कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है जी, तो जैसे हमारी डिवाइस है, ठीक है, हम क्या करते हैं, वी कैन एक्सेस टू प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशंस अपने मोबाइल पे यूज करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है, मान लीजिए आपकी डिवाइस कहीं गुम हो जाती है, तो मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट जो फीचर है इससे हम क्या कर सकते हैं, अपना जो डेटा है उसको वाइप या उसको डिलीट कर सकते हैं रिमोटली। ठीक है, मान लीजिए हमारा फोन गुम हो गया, हम रिमोटली ही उसको अपना डाटा वहां से डिलीट कर सकते हैं ताकि कोई हमारे डाटा को मिस यूज ना कर पाए। ठीक है जी, इसको कहते हैं मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज रोमिंग। रोमिंग का मतलब है कि जैसे यूजर जो है, मान लीजिए बात करते करते एक गाड़ी में जा रहा है, व्हीकल में जा रहा है, वो बात करता करता मोबाइल पे, तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, वो एक बेस स्टेशन से दूसरे में क्रॉस करेगा, तो यूजर को इस तरह से कभी नहीं होना चाहिए कि उसकी जो नेटवर्क है वो बिल्कुल कम हो गया या उसकी कॉल डिस्कनेक्ट होगी, इस तरह से उसको फील ही नहीं होना चाहिए। इसको हम कहते हैं रोमिंग। ठीक है जी, मतलब यूजर जो है एक बेस स्टेशन से दूसरे या एक नेटवर्क से दूसरे में चला भी गया लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए उसकी कम्युनिकेशन पे। दिस इज कॉल्ड, दिस फीचर इज कॉल्ड रोमिंग। नेक्स्ट फीचर इज स्विचिंग। ठीक है, स्विचिंग क्या होती है कि देखिए हमारे पास नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं, नंबर ऑफ यूजर्स हैं, नंबर ऑफ मतलब डिवाइसेस, मोबाइल फोन आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, उस पर आप इंटरनेट भी चला रहे हैं, उस पर आप बात भी कर रहे हैं। ठीक है जी, तो जब यूजर एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तो उसको स्विच करना पड़ता है हमें, मतलब उसको एक बेस स्टेशन से दूसरे में ट्रांसफर करना पड़ता है। ठीक है, मान लीजिए आप गाड़ी में बड़ी तेज जा रहे हैं तो हमारी जो ट्रांसफर करने की जो स्पीड है वो भी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि यूजर की स्पीड ज्यादा है और हम जो एक बेस स्टेशन से दूसरे पे उसको ट्रांसफर कर रहे हैं या चैनल प्रोवाइड कर रहे हैं दूसरे में, उसका इतना टाइम हो जाए कि उसकी कॉल जो है यूजर की वो कॉल कट हो जाए उसकी। ठीक है, कॉल ड्रॉप हो जाए, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो ये कैसे पॉसिबल विद हेल्प ऑफ स्विचिंग। ठीक है, स्विचिंग जो है बड़ी फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा क्या है, स्विचिंग जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ, स्विचिंग इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी फास्ट सिक्योर वायरलेस नेटवर्क फॉर सेवरल रीजंस। तो क्योंकि जरूरी है स्विचिंग, इट हेल्प्स द ट्रैफिक ऑन योर नेटवर्क फ्लो मोर एफिशिएंटली। ठीक है, नेटवर्क में जो ट्रैफिक है उसके फ्लो को एफिशिएंटली वो मैनेज करता है, एक जो स्विच लगा होता है। ठीक है जी, उसका काम ही यही है कि ट्रैफिक को किस तरह से मैनेज करना है, अगर ज्यादा यूजर आ गए तो दूसरे पे स्विच कर देंगे। इट मिनिमाइजेस अननेसेसरी ट्रैफिक, जैसे मैंने बोला कि अगर ज्यादा ट्रैफिक आ गया तो ट्रैफिक को दूसरे बेस स्टेशन पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है,
इट क्रिएट्स अ बेटर यूजर एक्सपीरियंस बाय इंश्योरिंग योर ट्रैफिक इज गोइंग टू राइट प्लेसेस। ठीक है, तो मतलब जैसे आप मूव कर रहे हैं तो ट्रैफिक जो आपको शिफ्ट होना चाहिए, ठीक है जी, राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे। ऐसा हो कि आप ट्रैफिक शिफ्ट ही ना हो पाए, आपका जो चैनल जो है असाइन ही ना हो पाए नए बेस स्टेशन पे, और आपकी कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई, कट हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो है ये प्रॉपर्टीज है, फीचर्स है मोबाइल टेक्नोलॉजी के। इसके अलावा कुछ और फीचर है हमारे पास, दैट इज रोल बेस्ड एसएस कंट्रोल, इसको हम कहते हैं RBAC। तो इसका मतलब है कि किसको कब कहां कैसे क्या रोल देना है, ये सारा कौन डिसाइड करता है, दैट इज रोल बेस्ड एसएस कंट्रोल, इसको कहते हैं रोल बेस्ड एसएस कंट्रोल। जैसे यूजर जो है मान लीजिए किसी को फोन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो उसको एक चैनल मिलेगा बी एस स्टेशन से, बी एस स्टेशन उसको एक चैनल प्रोवाइड करेगा, ठीक है, उसको एसेस देगा अपने एक अपने जो बैंडविड्थ है, अपना जो रिसोर्सेज है उसको एसेस करने को वो देगा। तो इसमें क्या कुछ पॉलिसीज होती हैं, ठीक है, कुछ पॉलिसीज होती हैं, जिस पॉलिसीज को फॉलो करके ही उसको ये सब मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी पॉलिसीज वहां पे रोल्स में डिफाइंड होती है कि क्या क्या रोल्स है, किसको किसको क्या देना है, किस तरह से बैंडविड्थ देनी है, कितनी बैंडविड्थ देनी है, ये सारा कुछ, ये सारा इसको क्या कहते हैं, रोल बेस्ड एसेस कंट्रोल। मतलब जैसे मान लीजिए, अब जैसे मान लीजिए आप आजकल मोबाइल ऑपरेटर्स काफी सारे हैं, रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, काफी सारे मोबाइल ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। तो दिन में मान लीजिए आपको एक बैंडविड्थ मिल रही है 1.5 GB, तो आप 1.5 GB से ज्यादा यूज नहीं कर रहे, तो ये सारा कंट्रोल कौन कर रहा है, ठीक है, ये सारे सेंट्रल ऑपरेटर कंट्रोल कर रहे हैं। तो वहां पे कहां पे ये डिफाइन होता है, रोल बेस्ड में आप रोल कुछ डिफाइन होते हैं कि हाँ जी ये यूजर जो है इसको एसेस दिया हमने, इतनी देर के लिए एसेस देना, इतने बैंडविड्थ के लिए एसेस देना, तो ये सारा वहां पे डिफाइन होता है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट इज इनडोर एज वेल एज आउटडोर कवरेज ऑप्शंस, ठीक है जी। तो वायरलेस सिस्टम को जब हम यूज करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है, वो हमें इंडोर कवरेज भी प्रोवाइड करता है, आउटडोर कवरेज भी। आउटडोर कवरेज मींस जैसे कि आप बाहर मूव कर रहे हैं गाड़ी में, कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो वो क्या होगी आउटडोर कवरेज, कि आपको हर जगह पे कवरेज मिलेगी अगर आप मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो आपकी कॉल जो है वो कंटिन्यू रहेगी, या आप जो भी इंटरनेट यूज कर रहे हैं, डाटा यूज कर रहे हैं, वो कंटिन्यू रहेगा, उसमें कोई स्पीड स्लो नहीं हो सकती या होनी नहीं चाहिए, या आपको प्रॉपर कवरेज मिलनी चाहिए, ठीक है जी। तो इंडोर कवरेज क्या होती है कि अगर आप घर के अंदर है, ठीक है, घर में क्या होती है, दीवारें छत होती है, तो उसके अंदर भी आपको प्रॉपर कवरेज मिलनी चाहिए। तो रेडियो सिग्नल्स वैसे तो दे कैन पेनिट्रेट इवन वॉल्स एंड ब्लॉकेजेस, तो वो तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मोबाइल जो बेस स्टेशन है उनको ये ध्यान में रखना होता है कि इतनी पावर का सिग्नल हो कि वो यूजर को कहीं भी, वो इंडोर भी है कहीं भी, तो उसको वो कवरेज प्रोवाइड करे, ठीक है जी। इसको कहते हैं इंडोर एज वेल एज आउटडोर कवरेज ऑप्शंस। तो नेक्स्ट फीचर जो है दैट इज नेटवर्क एसेस कंट्रोल, नेटवर्क एसेस कंट्रोल। इसमें क्या होता है कि जब भी यूजर कॉल करने की कोशिश करती है तो उसकी डिवाइस जो है वो रजिस्टर होती है, ठीक है, मोबाइल डिवाइस रजिस्ट्रेशन जो होती है वो होती है उस टाइम पे, तो वो बेस स्टेशन पे क्या होती है, पहले रजिस्टर होती है, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज दिस इज वेरी एसेंशियल, ठीक है, बहुत एक एसेंशियल प्रोसेस है कि आपकी डिवाइस जो है वो रजिस्टर होनी चाहिए। हाँ जी, वो कैसे होती है, IMEI नंबर होता है आपका, उसके थ्रू वो डिवाइस जो है वो वहाँ पे बेस स्टेशन पे रजिस्टर होती है, ताकि वो रिकॉग्नाइज कर सके कि हाँ जी ये डिवाइस जो है हमारे यूजर हैं, ये इसको हमने रिकॉग्नाइज कर लिया, ठीक है जी। उसके बाद वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, कुछ रोल्स होते हैं, ठीक है, कुछ पॉलिसीज होती हैं जो यूजर पे अप्लाई की जाती हैं, ठीक है जी। तो इसकी हेल्प से ही कोई भी यूजर जो जब भी किसी को कॉल करनी होती है तो वो रजिस्टर करता है एक बी स्टेशन पे, ठीक है जी। जब भी आपको मोबाइल टावर है, मोबाइल फोन है, उसके ऊपर आपको दिखता है कि आपके ऑपरेटर का लोगो दिख रहा है आपको, तो उसका मतलब है कि आपकी डिवाइस जो है वो इस टाइम पे बी स्टेशन के साथ रजिस्टर की हुई है, ठीक है जी। तो इसको कहते हैं नेटवर्क एसेस कंट्रोल, ठीक है जी। तो ये थे हमारे फीचर्स ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज एडवांटेजेस ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन, क्या क्या एडवांटेजेस है। तो सबसे पहले है फ्लेक्सिबिलिटी। तो मोबाइल टेक्नोलॉजी या मोबाइल कम्युनिकेशन जो है टेक्नोलॉजी है, इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, ठीक है। वायरलेस कम्युनिकेशन में क्या,
कि कोई लोकेशन की जरूरत नहीं है, हम एक जगह पे बैठे बैठे ही हम बात कर रहे हैं, मूव करते करते भी हमारी जो बात जो है वो कंटिन्यू रहेगी, ठीक है जी, हमारी कम्युनिकेशन है जो है वो कंटिन्यू रहेगी, उसमें कोई ब्रेकेज नहीं आएगी, स्लो डाउन नहीं होगा, ठीक है। इसको कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, आप कहीं भी मूव कर कर करते करते ऑफिस में हो कहीं भी हो तो आप जो है कम्युनिकेट एक दूसरे के साथ कर सकते हैं यूजिंग दिस मोबाइल कम्युनिकेशन। जैसे कि आपने घर पे फोन कर रहे हैं, आप किसी को घर पे भी या किसी से बात कर सकते हैं, आप मान लीजिए अपने ऑफिस भी चले गए तब भी आप मोबाइल कम्युनिकेशन या मोबाइल टेक्नोलॉजीज की हेल्प से कम्युनिकेट कर सकते हैं दूसरे के साथ, इसको कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट इज कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो जैसे कि मोबाइल टेक्नोलॉजी में हमें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, हम कहीं भी चले जाएं हमें फिजिकल स्ट्रक्चर की, फिजिकल वायर्स केबल्स की हमें जरूरत नहीं होती है। सिर्फ क्या होता है, उस लोकेशन में जो है कवरेज होनी चाहिए, बेस स्टेशन होना चाहिए, ठीक है, तो सिर्फ वही हमें चाहिए ताकि जितने मर्जी यूजर्स उसमें ऐड हो सकते हैं, रिमूव हो सकते हैं, ठीक है जी, वो डिपेंड करता है उसकी कैपेसिटी पे। तो हमें वायर्स या केबल्स नहीं चाहिए, उसकी मेंटेनेंस नहीं चाहिए, उसके कारण क्या है जो कॉस्ट है वो काफी रिड्यूस हो जाती है, इसको कहते हैं कॉस्ट इफेक्टिवनेस। नेक्स्ट इज स्पीड, ठीक है जी, तो स्पीड जो है एज कंपेयर टू वायर्ड नेटवर्क इसकी काफी ज्यादा है, ठीक है जी, तो कैसे भी कहीं भी जब किसी भी लोकेशन पे जो है आपको कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट जो एडवांटेज है मोबाइल कम्युनिकेशन की, दैट इज एक्सेसिबिलिटी, ठीक है जी, मतलब कि जो आपका मोबाइल कम्युनिकेशन जो मोबाइल नेटवर्क है वो कहीं से भी एक्सेसिबल है, ठीक है, चाहे आप गांव में रहते हैं चाहे शहर में रहते हैं, कहीं से भी वो एक्सेसिबल एक्सेसिबल है, और ये आजकल पॉसिबल हो गया, रिमोट एरियाज में भी पूरा पूरा नेटवर्क जो है आपका फैला हुआ है, किसी भी मोबाइल ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो। इसकी जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, आजकल जैसे हम ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं, तो चाहे स्टूडेंट जो है कहीं भी बैठा हुआ है, कहीं भी घर पे बैठ के भी स्टडी कर रहा है, तो उसको वहां पे हम एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो वहां से हमारे नेटवर्क नेटवर्क को यूज कर सके, ठीक है। अगला है जी कॉन्स्टेंट कनेक्टिविटी, तो हर एक यूजर को हम कॉन्स्टेंट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं विद मोबाइल टेक्नोलॉजी, मतलब हमेशा उसको एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी ही करनी है, अगर वो ऑपरेटर के साथ रजिस्टर है तो उसको कनेक्टिविटी हमेशा मिलती रहेगी, चाहे वो मूव करता करता एक जगह से दूसरी जगह चले जाए तो उसको कनेक्टिविटी वहां पे मिलती रहेगी, ठीक है जी। तो जैसे कि यूजर जो है मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, तो उसको हमेशा वो कनेक्ट ही रहेगा वो नेटवर्क के साथ यूजिंग रेडियो कम्युनिकेशन या रेडियो वेव्स, ठीक है। तो वैसा जो लैंडलाइन में पॉसिबल नहीं है, लैंडलाइन जो है वो हमें सिर्फ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है हमारे घर तक, एक एक लिमिटेड स्पेस तक, ठीक है, उससे बाहर जाएंगे तो हमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड नहीं करता है, जो कि हमें मोबाइल कम्युनिकेशन या मोबाइल टेक्नोलॉजी में मिलती है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटेशंस ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन, कि इसकी लिमिटेशंस क्या है। तो लिमिटेशंस क्या है, बैटरी, तो जैसे हम यूज करते रहते हैं अपनी डिवाइस तो बैटरी उसकी रिड्यूस होती रहती है, ठीक है, बैटरी खत्म हो जाती है धीरे धीरे और हमें फिर से रिचार्ज करना चार्ज करना पड़ता है फोन को, ठीक है जी। तो ये एक ड्रॉबैक है मोबाइल कम्युनिकेशन का, ठीक है, जितना हम ज्यादा डाटा यूज करेंगे उतनी ज्यादा हमारी बैटरी जो है वो यूज होगी, ठीक है जी, जितना ज्यादा यूज करेंगे अपने डिवाइस का। नेक्स्ट इज इंटरफेरेंस, तो हम आपको जैसे मैंने बताया कि हम मोबाइल कम्युनिकेशन में रेडियो ट्रांसमिशन को यूज कर रहे हैं, रेडियो सिग्नल को यूज कर रहे हैं, ठीक है जी, तो रेडियो सिग्नल जो है वो इंटरफेयर कर सकता है दूसरी डिवाइसेस के साथ, ठीक है, तो जैसे कि और भी मान लीजिए कई डिवाइसेस वो यूज कर रहे हैं रेडियो वेव्स को, ठीक है, और कोई जो सोर्स है वो रेडियो वेव्स को ही यूज कर रहे हैं, रेडियो कम्युनिकेशन को यूज कर रहा है, तो दोनों में इंटरफेरेंस हो सकती है, ठीक है जी। तो ये एक ड्रॉबैक है, उससे क्या हो जाएगा, तो मतलब कि नॉइज आ सकती है आपके सिग्नल में, ठीक है, डाटा रेट कम हो सकता है, लॉस हो सकता है आपका डेटा, ठीक है, तो ये उस एक ड्रॉबैक है उसका मोबाइल कम्युनिकेशन का, ठीक है जी। उसके बाद है बैंडविड्थ, ठीक है जी, तो बैंडविड्थ की एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि मान लीजिए अगर यूजर्स एक टाइम पे पीक टाइम पे ज्यादा हो जाएंगे एक बेस स्टेशन पे, तो उस टाइम पे जो आपकी जो बैंडविड्थ है आपको वो कम मिल जाएगी, उस टाइम पे आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी आपकी डिवाइस की, ठीक है जी। तो इसके लिए रिसर्चर्स देख रहे हैं आगे फ्यूचर में कि किस तरह से इसको हम ठीक करें, लेकिन ये एक बड़ा ड्रॉबैक है मोबाइल कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट इज डायनेमिक चेंजेस इन कम्युनिकेशन एनवायरमेंट, ठीक है, मान लीजिए बेस स्टेशन की जो पावर है, पावर वो कम हो गई है एक डायरेक्शन में, उसकी पावर जो सिग्नल वो कम हो गया, तो उसके कारण जो आपका कनेक्शन लॉस हो जाएगा, ठीक है, कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है,
तो पावर के कारण ये सब हो सकता है। नेक्सस नेटवर्क इश्यूज, मान लीजिए कि किसी एरिया में नेटवर्क कनेक्टिविटी कम है, ठीक है जी। मान लीजिए आप जा रहे हैं अपनी गाड़ी में, तो एक इस प्लेस ऐसे प्लेस पे आ गए जहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी बड़ी कम है, तो वहाँ पे आपकी कॉल ड्रॉप हो सकती है, स्पीड स्लो हो सकती है, जैसा कि आजकल जैसे आप देख सकते हैं ऐसा नॉर्मली होता है, ठीक है। तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक है। उसके बाद है सिक्योरिटी कॉन्स्ट्रेंट। मान लीजिए आप वायरलेस कनेक्शन को यूज कर रहे हैं आप, ठीक है, तो उसमें क्या है, आपकी डिवाइस में काफी इंपॉर्टेंट आपका डेटा होता है, काफी कुछ होता है, ठीक है जी। तो आपकी डिवाइस का जो डेटा है वो डेंजर में आ सकता है, ठीक है। अगर आपने सिक्योर उसको नहीं किया हुआ है तो वो आपका डेंजर में आ सकता है, तो आपका डाटा जो चोरी हो सकता है, ठीक है जी। हाँ जी, तो इसके लिए उसको हमें क्या करना पड़ता है, ठीक है। तो वायरलेस जैसे एसएस पॉइंट्स होते हैं, उनमें क्या करना पड़ता है, हमें सिक्योरिटी लगानी पड़ती है, ठीक है, एनक्रिप्शन करनी पड़ती है, ऑथेंटिकेशन करनी पड़ती है, इस तरह से हमें सारी चीजें करनी पड़ती हैं। तो ये कुछ ड्रॉबैक हैं हमारे। तो थैंक यू।